यूपी सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में आश्रम से 15 लाख से अधिक नकली नोट बरामद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि नकली नोट दक्षिणा में मिले थे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सुबह लगभग 4 बजे का है, जहां पर आश्रम संचालिका गीता पाठक नाम की महिला ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 40 पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान पूरे 11 दिन चला। अनुष्ठान के लिए प्रतिदिन 2000 पर आदमी तय हुआ था। अनुष्ठान पूरा होने पर जब दक्षिणा देने की बारी आई, तो चालाक महिला ने कपड़े की पोटली में नकली नोट, जिस पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा था, पंडितों को पकड़ाकर फरार हो गई। भोजन करने के बाद पंडितों ने जब पोटली खोलकर सोचा अब दक्षिणा आपस में मिलकर बांट लें, तब नकली नोट देखकर उनके होश उड़ गए। इसकी जानकारी उन लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। ये नकली नोट चूरन वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद ने बताया कि गीता पाठक नाम की महिला, जो कि महमूदाबाद थाना क्षेत्र के गांव टेरवा मनकापुर की रहने वाली हैं, जिसने लक्ष्मी वृद्धि के लिए बाहर से पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान कराया था। इसके बाद में जब पंडितों को पैसा देने की बारी आई, तो भारतीय मनोरंजन बैंक लिखे हुए नकली नोट एक पोटली में बांधकर उन लोगों को देकर फरार हो गई, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी गहराई से जांच की जाएगी। आखिर नकली नोट का इतना बड़ा जखीरा कहां से उस महिला को प्राप्त हुआ है? आए थे, 9 दिवसीय अनुष्ठान था। 9 दिवसीय अनुष्ठान में पूर्णाहुति के तत्पश्चात हमको विदाई के रूप में इन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, 5,53,000। ठीक है, जब हम लोग उसको एक पन्नी में रेड कलर की पन्नी में रख करके हमारे पास लेकर चाय दे दी, उसके बाद में जब हम लोग बांटने चले, उसको देखने चले, पैसा जब खोले तो थोड़ा मध्यान्ह काल का समय था, मतलब प्रभात काल का 4 बार बज रहे थे, तो ज़्यादा उसके समय मतलब भीड़ भाड़ भी थी, आपस में सब लोग थे, इसी कारण से ज़्यादा हम लोग उसमें सर्टिफाइड नहीं हुए कि हम वहीं पर लाओ अलग करके पैसा देख लें या रख लें। हमने कहा भाई ओरिजिनल हो गए पैसे, तो हम पन्नी सहित ले आए, गुलाबी पन्नी पड़ी हुई वहाँ, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा तो उसमें नकली नोट थे। हम ले जाकर के पहले उन्होंने कहा माता जी ये क्या कर दिया, हाँ मनोरंजन वाली बैंक जो चूरन की बुढ़िया में निकलती है, जिसका साक्ष्य प्रमाण यहाँ के मतलब जो वरिष्ठ अधिकारीगण है उनको दे दिया गया है, वही उसमें का जो हम लोगों को मिला था और मिला करके। आप यहाँ कितने दिनों से? ग्यारहवां दिन। आप मूल रूप से कहाँ के निवासी? मेरा मंगापुर जिला में रहा है। बाबा जी क्या मामला? देखिए ये गीता पाठक एक हैं, इन्होंने 40 ब्राह्मणों की एक टीम बुलाई थी, ब्राह्मण लोगों की अनुष्ठान कराने के लिए। तो इनका तय हुआ था कि 2000 रुपया पर डे के हिसाब से 9 दिन का अनुष्ठान होगा इनका। जब ये 9 दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं फिर 2 दिन और बढ़ा दिए, तो 11 दिन का पूरा इनका अनुष्ठान हुआ है, तो उस हिसाब से इनका 9,02,000 रुपया इनका बन रहा था। तो आज सुबह 4 बजे इन्होंने जो हिसाब पैसा दिया तो पॉलिथीन में लपेट के और कपड़े में लपेट के इन लोगों को दिया। जब ये लोग खोल के अपना हिसाब सब कर रहे तो देखे उस पर कूपन 2000 का कूपन, 500 का कूपन, 200 का कूपन इस तरह लिखा हुआ था, भारतीय मनोरंजन बैंक। तो नकली तो नहीं है, लेकिन जो चूरन वाला नोट है और जो ये कूपन के तौर पर प्रयुक्त होता है वो है ये लोग। अब इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये इसका सोर्स कहाँ से आया है, कहाँ से पैसा ये कूपन वाला पैसा यूज हुआ है, कहाँ से आया है, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर ये किस लिए करा रहे, किसके लिए करा रहे? ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये एक अनुष्ठान करा रही थी, ये इनका ये कहना है ब्राह्मण लोगों का। ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है, उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देवता कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ा दिए, तो 2 दिन इन्होंने बढ़ा दिए, तो पूरे 11 दिन लोगों ने अनुष्ठान किया था।